अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 29 मई की सुबह रावड़ी पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि बालकुम साकेत रोड पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 होगी, उसकी लाश पड़ी है। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है। खबर मिलते ही रावड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की पहचान करने के लिए छानबीन करने लगी। तभी पुलिस को पता चला कि राबोड़ी के शिवाजी नगर में रहने वाली एक महिला रात से लापता है, जिसके बाद पुलिस ने लापता महिला के पति को बुलाकर इस लाश को दिखाई। लाश दिखाने के बाद इस व्यक्ति ने इस लाश की पहचान उसकी पत्नी रेशमा यूनुस अंसारी के रूप में की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज जो राबोड़ी के आने जाने पॉइंट पर लगी है, देखने पर पुलिस को मृतक महिला एक रिक्शा में बैठकर जाती दिखाई दी। इस रिक्शा का नंबर निकालने पर पता चला ये रिक्शा राबोड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति को चलाने के लिए दी है। इस रिक्शा चालक का पता लगाने पर पुलिस को पता चला रिक्शा चालक अपने गांव यूपी चला गया। जाने से पहले ये रिक्शा अपने रिश्तेदार शाहनवाज यूनुस अंसारी को चलाने के लिए दिया था। उसके बाद रावड़ी पुलिस ने शाहनवाज अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें शाहनवाज ने बताया मरने वाली महिला रेशमा यूनुस अंसारी उसकी सौतेली माँ थी। बचपन में मुझे वो मेरे भाई को बहुत तकलीफ देती थी। मेरे एक भाई की मौत भी मेरी सौतेली माँ के कारण हो गई। एक साल पहले रेशमा अंसारी ने आरोपी शाहनवाज से 90,000 रुपए ये कहकर लिया कि बाहर गांव में नौकरी दिलवाऊंगी, मगर बाहर गांव नहीं भेजा और शाहनवाज को घर से निकाल दिया। अपने पैसे वापस मांगने पर गाली गलौज और मारपीट करती थी। अब लॉकडाउन होने से काम बंद था, इसलिए शाहनवाज ने रेशमा से अपने पैसे मांगे तो रेशमा ने गाली देकर भगा दिया, इसलिए आरोपी शाहनवाज ने इससे मारने का इरादा बनाया और 28 मई को रेशमा के घर गया और उसी रिक्शा में बिठाकर बालकुम साकेत रोड पर लाया और वहीं अपने साथ लाए चाकू से रेशमा के गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही रेशमा अंसारी की मौत हो गई और उसे वहीं रोड किनारे फेंक कर वापस आ गया। फिलहाल आरोपी शाहनवाज पुलिस हिरासत में है और उसके पास से पुलिस ने रेशमा अंसारी का मंगलसूत्र और कान के झुमके बरामद किए हैं। जिस चाकू से आरोपी ने रेशमा अंसारी की हत्या की है वो नहीं मिला है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।